सर। नायक जी, इंस्पेक्टर दाम ले आ गए? जी सर। और मेरे कमरे पे? यस सर। लेकिन आपके पड़ोसी तो कहते हैं कि आपके पति मिस्टर हरीश पटेल और उनके भाई अमृत पटेल में अक्सर झगड़ा होता रहता था। मिस्टर दामले, घरेलू झगड़े किसके घर में नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि एक भाई दूसरे भाई का खून कर दे। ऐसी बात नहीं मिसेस पटेल, हमारे पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे कई केस हैं जहां भाइयों में झगड़े की शुरुआत मामूली अनबन से होती है और देखते ही देखते दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं और अंत में ताकतवर कमजोर की जान ले लेता है। सर, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। अभी आता हूँ। यस सर। मिसेस पटेल, अब आप जा सकती हैं। इंस्पेक्टर दामले, मेरी पति का खूनी का पता कब तक चलेगा? पुलिस तहकीकात कर रही है, जैसे हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे, ठीक है? ओह, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ दामले, आओ बैठो। थैंक यू सर। इसे यहीं रहने देना है। यस सर। दामले, मैडम गोम्स मर्डर केस में जिस लड़के को पकड़ा था, क्या नाम है उसका? आनंद। हाँ, आनंद ने अपना जुर्म कबूल किया? जी नहीं सर, जब से उसे गिरफ्तार किया है वो एक ही रट लगाया जा रहा है कि वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। और क्या कह सकता है दामले, अगर सारे मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेंगे तो कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं रहेगा। आप सही कहते हैं सर। वैसे आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर गट फील अबाउट आनंद? दामले, द लॉ वांट्स प्रूफ, कानून सबूत देखता है, गट फील नहीं। आप सही कहते हैं। कोई सबूत मिला? जी हाँ सर, चवन्नी नाम के एक आदमी ने आनंद को खून करते हुए देखा है। साहब, तुम्हें पक्का मालूम चवन्नी? क्या बाता करता साहब, नाम पे ना पूछो, नाम तो लोगा ही सोदा ही है साहब, लेकिन आप भेजा जरूर बहुत कर गए साहब। यही चा साहब, यही चा, जिसने घूम मेम साहब को चाकू मारा मैंने देखा साहब, इतना लंबा चाकू घुसा डाला साहब, इंचा साहब, बहुत डेंजर आदमी है साहब ये। Clear. I haven't done it. अबे शाने, हिंदी में बोल, हिंदी में। कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने मैडम गोम्स का मर्डर नहीं किया है। चल। Damn it. जी हाँ सर, हरीश पटेल का घर रोजवुड गेस्ट हाउस के पास है। सर, मिस्टर आनंद, मैं तुमको रोजवुड गेस्ट हाउस की मालकिन मैडम रोजी गोम्स के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। No, no, no! You can't do this to me. तुम मेरे पीछे पड़े हुए? मैं हजार बार कह चुका हूँ कि मैंने मैडम गोम्स का मर्डर नहीं किया है। अरे हजार बार कहने से झूठ सच में नहीं बदल सकता। मैडम गोम्स का खून तुमने किया है और यही सच है। नहीं, ये झूठ है। मैंने मैडम गोम्स को नहीं मारा। आप लोग किसी और के क्राइम में मुझे फंसा रहे। What do you have against me? I have proof against you. What? हाँ, मेरे पास एक ऐसा आई विटनेस है जिसने तुम्हें मैडम गोम्स का खून करते हुए देखा है। आई विटनेस? इट इज इम्पॉसिबल। कौन वो? चवन्नी। आप चवन्नी जैसे लोगों की बातों पर बिलीव कर सकते हैं, मुझ पर नहीं? आनंद, कानून सबूत मांगता है। अगर तुम सजा से बचना चाहते हो तो अपने आप को बेगुनाह साबित करो। दामले, ओके। Sir, officer, please, officer, listen! But he's listening to me.
अगर तुम चाहो तो एक फोन कर सकते हो। तुम्हारे हजार बार कहने से झूठ सच में नहीं बदल सकता। मैडम गोम्स का खून तुमने किया है और यही सच है। आई हैव प्रूफ अगेंस्ट यू। अगर तुम चाहो तो एक फोन कर सकते हो। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। हेलो हेलो मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। हेलो मैं हेल्प यू। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। I'll make my future, I'll make myself. मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। किस्मत पहुंचे ससुराल। बाहर तो शेर अंदर है बिल्ली। अपुन का नाम है शेख चिल्ली। क्यों भाई लोग तबीयत बने बस? अपुन तो मस्त है बाप। तू बोल तेरा अंदर कैसे आना हुआ? बिजनेस के सिलसिले में यार। अबे एक फिरंगी को गेटवे ऑफ इंडिया बेच रहा था इजी इंस्टॉलमेंट पर। तो फिर क्या हुआ, नहीं खरीदा? अबे क्या बोलते हो यार, ये शेख चिल्ली बेचे और ना बिके? अबे डर की, ये शेख चिल्ली तो टकले को कंघा बेच दे। तो फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आ गई और बोली बाकी के इंस्टॉलमेंट जेल में लेना। आपकी तारीफ। वाह 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 साहब, क्या तारीफ है। मुझे शेख चिल्ली कहते हैं। यहां कैसे आना हुआ?
खैर क्या करे, जो कानून को मंजूर है। अच्छा ये बताइए कि कब तक रहने का इरादा है मिस्टर? माय नेम इज आनंद। तो यार इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो? मुझे मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया है और मर्डर मैंने किया नहीं, मैं निर्दोष हूं। बस इतनी सी बात तो पहले कहना था यार, अभी तुमको बाहर निकलवा देते हैं। हेलो हवलदार, हवलदार। क्यों क्यों इस बेचारे को यहां रखा है? ये बिल्कुल बेगुनाह है। डरो मत, मैं हूं। जरूर जरूर इन पुलिस वालों से कोई गलती हुई होगी। ओ अरे भाई जल्दी खोलो, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। आप जानते नहीं कि जेल का खाना सिर्फ गुनहगारों के लिए है, बेगुनाहों के लिए नहीं। अभी यार शर्मा तो क्यों है? देख खून किया ना तो किया। अरे यार शर्मा ने बरमाने की क्या बात है? देख भिड़ो, इस हमाम में हम सब नंगे हैं। चुप। सभी, हम अपना पैसा तुमको नहीं देगा। परांते। Don't you butt me? हमको मालूम है तुम हमारा आखा पैसा छोकरी में दारू में बर्बाद करता है। परांते गोम्स, तुम्हारी डेथ के बाद ये सब प्रॉपर्टी हमारा ही तो होगा। अच्छा तो तुम हमारा डेथ का वेट करता है? मैडम गोम्स, देखा आनंद, ये हमारा नेफ्यू जिसको हम अपना बच्चे के माफिक पाला, आज हमारा मरने का वेट करता है। लेकिन लेकिन हम नहीं मरेगा। अगर मर भी गया तो अपना प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगा। आंटी व्हाट कैन यू डू, असली वारिस तो मैं हूं। हम विल करेगा, हम आज ही लॉयर के पास जाएगा। हम अपना पैसा तुमको देने के बदले चैरिटी में दे देगा, आनंद को दे देगा। इसने हमारा कितना अच्छे से देखभाल किया। जब हम हॉस्पिटल में था तो अखा खा रात हमारे पास बैठने का। मिस्टर सेबी, हम अपना प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगा। क्या बोला? आशिक चिल्ली, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे इस जेल से भागना होगा।
जिस दुनिया में शरीफों और मासूमों को गुनहगार बनाया जाता है, तो उस दुनिया में जाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा? पागल है, पागल है, फिर सो जा। But I am innocent. मैं निर्दोष हूँ। Oh God, खुदा, भगवान। चल यार, मैं मानता हूँ कि तू बेगुनाह है, तू निर्दोष है। लेकिन तू ये साबित कैसे करेगा? आज मुझे कैसे गवाह के बारे में पता चला है, जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकता है? कौन है वो? चवन्नी। चवन्नी? हाँ चवन्नी, जिसने आज पुलिस स्टेशन में आकर ये गवाही दी कि उसने मुझे मैडम गुम्स का मर्डर करते हुए देखा है। लो हाँ यार, तेरे पास दिमाग है या नहीं? तू बोलता है कि खून तूने नहीं किया और वो चवन्नी बोलता है कि खून तू नहीं किया, तो फिर वो तुम्हें कैसे बचा सकता है? जब मैंने खून किया ही नहीं, तो चवन्नी ने मुझे खून करते हुए देखा कैसे? इसका मतलब है कि खून चवन्नी ने किया? पता नहीं, बट वो मुझे बेगुनाह साबित कर सकता है, शेख चिल्ली कर सकता है। बात में दम है। बोलो, मेरी हेल्प करोगे? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा शेख चिल्ली, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। यार ये एहसान वैसन सब समझे, लेकिन मैं तेरी मदद क्यों करूं? बोलो ना, क्यों करूं? देख, मुझे ऐसा एक कारण बोल ले कि मैं पुलिस से पंगा क्यों लूं? देखो दोस्त, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। अगर मैं तुम्हारी हेल्प से जेल से बाहर निकल गया तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूंगा, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। जेल से भागने की हिम्मत है? हाँ है। तो फिर मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है, आओ। जेल है तुम्हारा घर नहीं। नायक। यस सर। इनको म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले जाओ चेकअप के लिए। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर साहब, अंदर जो पेशेंट है क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों का इलाज कभी नहीं करता। अच्छा करते हैं, वरना एक भी नहीं बचेगा। हाँ, क्या कहा? नहीं, मुझे लगा कि वो आपको बुला रहा है। डॉक्टर मर गया, डॉक्टर मर गया, डॉक्टर मर गया। शट अप, मेरा नाम डॉक्टर मर चुका है, मर गया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आपका रिश्तेदार है नहीं, बनने वाला है। आई बात बिल्कुल सही है। इस अस्पताल में आने के बाद सारे पेशेंट आपके रिश्तेदार बन जाते होंगे। व्हाट डू यू मीन? इनका मतलब है डॉक्टर साहब के जब आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो उसका नाम होता है प्रदीप गुप्ता, हरीश खन्ना, हवलदार नायक, और जब वो इस अस्पताल से जाता है तो उसका नाम हो गया होता है हरीश मर चुका, प्रदीप मर चुका, हवलदार मर चुका। यू टू। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या है? पेशेंट मर चुका। मेरा नाम भी हवलदार नायक है, छोड़ूंगा नहीं। हेलो लकी देसाई, यस दामले, व्हाट?
दामले तुम सफाई बाद में देना, पहले उनका पीछा करो। सुबह होने से पहले वो दोनों मुझे लॉकअप में मिलने चाहिए। अंडरस्टैंड? ओवर एंड आउट। देख बॉस, ये पुलिस अपन को किसी भी वक्त पकड़ सकती है, इसलिए अपने पास टाइम शाइम बहुत कम है। तेरे को पक्का मालूम है कि चवन इधर आएगा? उसका यही ठिकाना है। ये रात है, ये बात है, ये क्वार्टर का सहारा। ये रात है, ये बात है, ये क्वार्टर का सहारा। वो जाने मरा अरे तुम लोग। मैडम को हमसे खून क्यों किया? क्या भले गले पड़ने का बात करते हो मियां? मैं काय को खून करेगा? पुलिस स्टेशन आकर तूने झूठ क्यों बोला हरामजादे? मैं झूठ किधर बोला? तुम लोग आए खून किए, मैं अपनी आंखों से देखा। से ज्यादा नाटक वाटक नहीं मांगता है। देख, तू भी सड़क का, मैं भी सड़क का, मेरे को मालूम है कि तू अपन की भाषा बराबर समझेगा। देख अभी जल्दी से सच बोल, वरना मार मार कर 54 रुपया बना डालूंगा। सारी हड्डिया किलर की तरह सड़क पर पड़ी नजर आएगी। देखो यार, खून मेम साहब का खून है, अनंत साहब नको किए। मैं पुलिस स्टेशन में झूठ बोला, मेरे को ये झूठ बोलने का बहुत पैसा दिया। किसने पैसा दिया? साबी साहब बहुत पैसा दिया, मेरे पॉकेट का हाउस फुल किया पैसा से। साहब बस, ये साहब कौन है? मैडम गुमसन है।